का प्रधानमंत्री का है, लेकिन जिनको मंत्री बनाया है अभी विभाग आवंटित किए नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ जो भी व्यक्ति सांसद मंत्री बनता है उनकी डबल जिम्मेदारी बन जाती है प्रदेश के प्रति। अभी सरकार भी भाजपा की है केंद्र में राज्य में, तो मंत्री पहले भी बने थे, लेकिन राजस्थान को बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ। हम लोग इतना मांग करते रहे, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर जो किल्लत है, आज जो हालात बने हैं बिजली पानी के, उसमें केंद्र सरकार का और सहयोग मिलना चाहिए था, क्योंकि सरकार भाजपा की है। अब मंत्री बने, अब देखते हैं वो कितना लाभ प्रदेश की जनता को दे पाते हैं। सिर्फ शपथ लेने से पार नहीं पड़ेगी ना, जनसेवा करनी पड़ेगी। केंद्र से हमारा जो हक है, अधिकार है, उसको लेकर आएँ, परियोजना लेकर आएँ, आवंटन बजट को करवाएँ, स्कीम्स बनाएँ, प्रोग्राम बनाएँ, जनता को राहत मिले, तब तो मंत्री पद लेने का कोई फ़ायदा भी है। बड़ा मुझे खेद है हमारे श्रद्धालुओं पर जो घिनौना अटैक हुआ और कई लोगों की जान उसमें गई, इससे बड़ा पाप कहीं नहीं हो सकता। और मैं तो चाहता हूं कि सरकार जो भी हो वहां पर पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई उस पर करे, और ये इस प्रकार की घटनाएं अगर बढ़ती हैं तो चिंता का विषय है, क्योंकि अभी वहां अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, विधानसभा चुनाव 2-3 महीने में होने वाले हैं। इस प्रकार की हिंसा अगर बढ़ेगी, आतंकवादियों के हौसले बुलंद होंगे, तो समय बहुत संकट वाला आ जाएगा। तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ शोक प्रकट करने से या सिर्फ खेद प्रकट करने से पार नहीं पड़ेगी, उनको उन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो उस प्रकार के घिनौने अपराध करते हैं। जब भी कभी कोई सवाल उठता है, उस सवाल का संतोषजनक जवाब देने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अगर पहले जब पेपर बैलेट होते थे तो चुनाव 4 चरण में होता था, अब 7 चरण में हो रहा है। पहले वोटों का इजाफा अगर होता था तो 12 घंटे 24 मिनट बाद होता था, आज 10 दिन के बाद हो रहा है। तो सवाल पूछने का अधिकार सबको है और जवाब देने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और चुनाव अच्छी तरह संपन्न हो गए, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि लोग देख नहीं रहे। पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष और जनता सवाल पूछते रहेंगे और जवाब उनको देने पड़ेंगे।